नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह। आप देख रहे हैं एटीसी फास्ट। अब खबर विस्तार से। धौलाना विधानसभा 58 क्षेत्र के बीएसपी प्रत्याशी वासित प्रधान ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कई गांवों में जनसंपर्क किया। वासित प्रधान को कई गांवों से मुस्लिम समाज के लोगों ने समर्थन भी दिया। सुनते हैं बीएसपी के प्रत्याशी धौलाना से वासित प्रधान को व इस्ते प्रधान को जनता से क्या अपील की। दरअसल में मैं धौलाना विधानसभा क्षेत्र वासियों से अपील करूंगा, क्योंकि मैं बहुजन समाज पार्टी का बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त प्रत्याशी हूं। मैं ये अपील करना चाहूंगा कि मेरे पास वोट बैंक जो है 94,000 मतलब जो है दलित वोट है, और 22,000 जो वोट है वो अलग अदर है, और 72,000 जो वोट है वो जाटव समाज का है। जो वो कहता है कि हम 100 के 100% पोल करेंगे, पर मैं मानता हूँ 60,000 पोल करेगा ही। तो मेरी गिनती जैसे 60,000 से शुरू होगी, और जो 22,000 जो दलित वोट है वो भी भरपूर मुझे मिल रहा है, तो 70,000 के लगभग आप मेरी गिनती शुरू मानिए, 70,000 होगी। तो मेरा कहना सभी से ये है, क्योंकि मुसलमान भाइयों से भी ये है, क्योंकि पहले भी यहाँ बहुजन समाज पार्टी का ही राम लहर में जीता था, और अब भी यहाँ बहुजन समाज पार्टी का ही गणित बैठता है, और हम ही प्रत्याशी यहाँ से जीत पाएंगे। और जो अब प्रत्याशी जो है बीजेपी का जो है, वो बीजेपी का जो प्रत्याशी है पहले समाजवादी से लड़ा था, पहले उसने कोई समाज ऐसा नहीं छोड़ा जिसका अपमान ना किया हो। अभी फगोते के अंदर नरेंद्र प्रधान जी हैं, उन्होंने पार्टी ज्वाइनिंग की थी, तो फगोते में उसने ये कहा था कि इन मुल्ला जियों के तो भुस में खाल में भुस भर दूंगा। तो मैं कहना चाहता हूँ अपने भाइयों से, क्योंकि गलत शब्द का प्रयोग तो सभी के लिए करता है, एक ही विशेष जाति का बन के विधायक रहता है वो, तो वो समझदार हैं, लिखे पढ़े हैं, गणित जानते हैं। मैं उनसे भी ये कहूँगा, क्योंकि मैं 2012 में चुनाव लड़ा तो मुझ पे 30,000 वोट आई, तो 30,000 का तो संगठन मेरे पास है ही, जो वोटों का संगठन है। मैं उनसे भी पढ़े लिखे लोगों से भी अपील करूँगा, क्योंकि 20,000 वोट मुझे मिल जाती है, अपने मुस्लिम समाज से भी करूँगा, क्योंकि वो भी 20,000 वोट या 10,000 वोट दे देते हैं, तो मैं जो हूँ लगभग 1,00,000 पे तो मैं पहुँच ही रहा हूँ भाई। 30 मेरी वो हैं और 70 की गिनती यहाँ से शुरू हो रही है, तो 1,00,000 पे तो मैं पहुँच ही रहा हूँ। तो मैं ये सबसे अपील करना चाहता हूँ, जो मतलब पढ़े लिखे लोग हैं और जिनका इसने अपमान किया है, क्योंकि उनसे अपील करूँगा कि वो वोट मुझे डालें और हाथी के सामने का चुनाव चिन्ह 10 फरवरी में दबाएँ। और मैं सभी का मान सम्मान करूंगा, क्योंकि मैं कहता हूं ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, बुराई पे उतर जाए तो इंसान बुरा है। तो पीछे भी हमारी बहुजन समाज पार्टी से ही रहा है विधायक, उसने सिर्फ 5 साल गाली देने का काम किया है बिजली वालों को, और उसने कोई विकास या कोई भी किसी के दुख सुख में शरीक नहीं हुआ है। तो दोनों ही कैंडिडेट दोनों ही ऐसे हैं, और जनता बखूबी जान रही है धौलाना विधानसभा की कि यहाँ से अगर जो कुशल व्यवहार है तो वासित प्रधान जी का है। तो मैं सबका सम्मान करना चाहता हूँ, मैं एक विशेष जाति का बनना नहीं चाहता, मैं 4,11,000 वोटरों का विधायक बनना चाहता हूँ। धन्यवाद। देखिए, मैंने तो शुरू में इसलिए समर्थन करा था वासित भाई के लिए, क्योंकि हमारे धौलाना विधानसभा का मुसलमान ये चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हारे, और मुस्लिम की भावनाओं को देख के मैंने वासित भाई को समर्थन करा, इसलिए ने चुनाव लड़ाया। जब हम जुड़ गए, हम वासित भाई के साथ चुनाव लड़ाने लगे, फिर नजर चौधरी हैं डासना से, वो हमारे साथ जुड़े, ऐसे ही जुड़ते चले गए लोग। आज भी हम नाहल गांव में गए, बुलाए, और एक वहाँ ठेकेदार हैं, जाकिर ठेकेदार, उन्होंने बहुत सारे अपने साथियों के साथ हमें समर्थन दिया। उन्होंने बताया कि मैं समाजवादी के कैंडिडेट असलम चौधरी को चुनाव लड़वा रहा था, लेकिन मैं आज पूरे क्षेत्र में घूमा तो पूरे क्षेत्र का मुसलमान एकजुट हो गया है, सब वासित प्रधान जी को चुनाव लड़वा रहा है। इंशाल्लाह जीत हमारी पक्की है, इंशाल्लाह वासित प्रधान विधायक बनेंगे इंशाल्लाह। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपनी धौलाना विधानसभा की जनता से ये अपील करनी चाहूँगा कि सब पे मैसेज चला गया है कि सब लोग वासित प्रधान जी को चुनाव लड़वा रहे हैं, और फिर भी जो हमारे मुस्लिम भाई साइकिल साइकिल कर रहे हैं आज भी, वो भी गणित लगा के वोट करें, इंशाल्लाह विधायक वासित प्रधान बन चुके हैं। मैं चाहता हूं कि उनकी भी साझेदारी हो जाए हमारे साथ। अब दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और देखते रहिए एटीसी फास्ट।